अस्सलामुअलैकुम माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज व ईमान में रखे, आमीन। और इसी के साथ हम आगाज़ करते हैं आज की स्पेशल वीडियो का, जो कि है ऑमलेट। हर घर में लाजमी बनाई जाती है और हर घर में सबको ही ये पसंद होती है, लेकिन हर घर में हर तरह के ऑमलेट बनाने का तरीका डिफरेंट होता है, जैसे कि हमारा मुख्तलिफ है। अब हम आपको बताएँगे कि हम ऑमलेट कैसे बनाते हैं। बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत जूसी सॉफ्ट। इसके लिए हमने एक प्याज चॉप कर लिया, एक टमाटर और हरी मिर्चें बारीक सी चॉप कर ली। इनको हम डाल देंगे एक बाउल में तमाम। इसके अलावा आप बंद गोभी डाल सकते हैं, आपको जो जो वेजिटेबल्स पसंद है आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हमने इसमें डाल देंगे नमक और लाल मिर्चें, रेड चिलीज। बस ये सिर्फ दो ही चीज़ें इसमें डालनी है और एक्स्ट्रा हमने कुछ भी नहीं डालना। अब हम बारी बारी इनको पहले मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, और इसके बाद फिर हम अंडे जो हैं वो बारी बारी अलग से बाउल में तोड़ के फिर इसमें हम शामिल करेंगे। अलग से बाउल में तोड़ने का ये भी फ़ायदा है कि अगर कोई अंडा ख़राब हो तो हमें पता चल जाता है, इसलिए हम वन बाई वन एक एक अंडा तोड़ेंगे और इसको डालेंगे। और ये हमने तीन अंडों का ऑमलेट बनाना है। जब तीनों अंडे डाल लिए तो अब हम इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स, बहुत अच्छे तरीके से कि बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए, अंडा अलग अलग ना रहे। तो ये जो स्टेप है, सबसे पहले हमारे घर में जब ऑमलेट बनता है तो हम सबसे पहले इसमें आप जो हैं वो एक स्पून डाल के चेक कर लेती हैं इसका सॉल्ट एंड रेड चिलीज, ताकि पता चल जाए वो ज़्यादा फीका है तीखा है जैसा भी है। इसको पहले चेक कर लेंगे, अगर किसी चीज़ की कमी बेशी होगी तो हम उसमें ऐड कर लेंगे, अदरवाइज हमारा परफेक्ट था। तो हमने पैन में ऑयल डाल के अंडे को इसमें डाल दिया इस तरह से। अब ये पहले इसको नीचे से अच्छे से पकने देंगे थोड़ा सा, उसके बाद और ये देखिए कि ये स्टेप सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपने जब ऑमलेट को पलटना है तो आपने फुल का फुल नहीं पलटना, बल्कि मिड वाले को अंदर ही फोल्ड कर देना है। और आप यकीन करें, इतने मज़े का ऑमलेट बनता है ना, जूसी भी होता है, सॉफ्ट भी होता है, और वो कच्चापन भी नहीं रहता, लेकिन अंदर से बहुत मज़े का होता है कि आपने जो लेयर है उसको फुली जो है वो नीचे फोल्ड नहीं करना, बल्कि हाफ फोल्ड करके उसके ऊपर ही रख देना। तो ये जब हम उसको पलटेंगे तो वो अंदर वाली साइड भी वैसे पक ही जाएगी। और ये हमारा झटपट सा ऑमलेट हो गया तैयार जी। अब हम इसको कर लेंगे सर, और ये बहुत मज़े का बनता है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।